हेलो फ्रेंड्स, न्यू ईयर स्पेशल में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छा कॉकटेल आइटम। ये बहुत ही यूनिक आइटम है और बच्चे और बड़े दोनों इसे बहुत पसंद करेंगे। इसे हम बर्ड नेस्ट आइटम बोलते हैं और इसकी टॉपिंग हम दो तरीके से करेंगे, कॉर्न से और पकौड़ियों से। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखिए, मैंने 5 से 6 कच्चे आलू को इस तरीके से ग्रेट कर लिया है अच्छे से धोकर, और अब इसमें मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के और अच्छे से हम इसे हाथ से ही मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, अब मैंने ये छोटी वाली स्टील की छन्नी ली है। मैंने छोटी ली है ताकि इससे शेप थोड़ा अच्छा आए। आप चाहें तो इसे थोड़ी बड़ी छन्नी में भी बना सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ अभी इसे हम कैसे डालेंगे। हम बस इसे ऐसे ही रफली इसमें डाल के थोड़ा सा हल्के उंगलियों की प्रेशर से प्रेस करके स्प्रेड कर लेंगे, ताकि एक हमारा एक जो एक डिप्रेशन जैसा नेस्ट जैसा हम इसे एक शेप दे सकें। और फाइनली अब इसे हम अपने गर्म तेल में फ्राई करेंगे। ये देखिए, जैसे ही हमारा नेस्ट हल्का सा छन्नी में सिकता है, मैं नाइफ़ या चक्कू की मदद से उसे निकाल कर तेल में डाल दे रही हूँ और उसे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और इसी तरीके से हम अपने सारे बर्ड नेस्ट को फ्राई करके निकाल लेंगे। वाली मूंग दाल को मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था और उसके बाद मैंने उसे बिल्कुल कम पानी डाल के, पानी ना के बराबर डाल के मैंने एक थिक पेस्ट तैयार किया है। और पीसते समय मैंने इसमें एक छोटा टुकड़ा अदरक और हरी मिर्च का डाल दिया था। और इससे हम बनाएंगे बिल्कुल छोटी छोटी साइज़ की पकौड़ियाँ, क्योंकि हमारा बर्ड नेस्ट अगर आप देख रहे हैं वो बिल्कुल स्मॉल साइज़ है, कॉकटेल आइटम है। तो इसकी हम पकौड़ियाँ जो उतारेंगे वो बिल्कुल छोटी साइज़ की होगी। तो इसमें मैं अब डाल दूँगी थोड़ी सी चुटकी भर हींग और स्वाद अनुसार नमक। थोड़ा सा मैंने डाला है फ्रेशली चॉप कोरिएंडर लीव्स और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए, तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है और बिल्कुल स्मॉल और छोटी साइज की पकौड़ियां मैं तेल में डाल रही हूँ और हम इसे तलकर निकाल लेते हैं। देखिए, हमारी पकौड़ियाँ बिल्कुल अच्छे से सिक गई हैं। अब इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। मैंने सिर्फ छिलके वाली मूंग दाल की ही पकौड़ियाँ उतारी हैं। आप चाहें तो उसमें थोड़े से उड़द दाल भी मिक्स करके पकौड़ियाँ उतार सकते हैं, उससे भी पकौड़ियों का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब जो पकौड़ियाँ हमने उतारी हैं उसमें हम थोड़ा पानी डालकर सोक कर देंगे और साइड रखेंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। ये देखिए, मैंने लिया है बॉइल्ड कॉर्न दूसरे टॉपिंग के लिए और उसमें मैंने डाला है 1 चम्मच के लगभग मेल्टेड बटर, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ऑरिगैनो, आप चाहें तो इसमें मिक्स्ड हर्ब्स भी डाल सकते हैं, 1/2 टीस्पून के लगभग मैं डाल रही हूँ इसमें काली मिर्च और स्वाद अनुसार नमक, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें मैं डालूँगी थोड़े से फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। देखिए, पहली टॉपिंग के लिए हमने जो पकौड़ियाँ उतारी थी तो वो पकौड़ियाँ हम डालेंगे इसमें। 2 छोटी छोटी पकौड़ियाँ मैंने इसमें डाली है। अब ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा स्वीट कर्ड, कर्ड बिल्कुल अच्छा फ्रेश होना चाहिए, तो थोड़ा सा हमने डाला है कर्ड। अब डालेंगे हम थोड़ी सी इमली की खट्टी मीठी चटनी और इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया की चटनी। टेस्ट के लिए हम डालेंगे ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर, और फाइनली 1 स्ट्रैंड ऑफ कोरिएंडर लीव। दूसरे नेस्ट में जो हमने कॉर्न की टॉपिंग्स रेडी की थी बस हम उसे वो डालेंगे और 1 स्ट्रैंड ऑफ कोरिएंडर लीव। तो इसी तरीके से हम अपने सारे बर्ड नेस्ट को तैयार कर लेते हैं और हमारा देखिए बिल्कुल परफेक्ट कॉकटेल आइटम फॉर द पार्टी इज रेडी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि मेरे अपलोडेड वीडियोज़ आप तुरंत वॉच कर सकें। थैंक यू।